वतन की आवाज में आपका खैर मकदम है, आइए देखते हैं चंद तफसीलात। ఆవిడ్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో నిన్న మార్నింగ్ తెల్లవారుజామున 4 o'clock ఇక్కడ గన్ఫౌండ్రీలోని ప్రసాద్ అపార్ట్మెంట్స్లో వాచ్మెన్ తన కుర్చీ వేసుకొని కాపలాగా అపార్ట్మెంట్ దగ్గర కూర్చుంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక హోండా యాక్టివా మీద వచ్చి అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక రెడ్మీ మొబైల్ ఫోన్ను లాక్కొని కత్తి చూపించి లాక్కొని వెళ్ళడం జరిగింది. ఇది మాకు కొంచెం లేట్ కల్ సుబా బోలేతో 12 तारीख सुबह मॉर्निंग अर्ली आवर्स 4 बजे हमारे पास सहकारिता पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में 5 o'clock के टाइम पे एक कल्याण वंशीकर बोलकर एक एडवोकेट वो कैरताबाद के रहने वाला है, वो अपना नया कुत्ते को लेके मॉर्निंग वॉक पे आ रहा. वही टाइम पे क्या हुआ बोले तो एक ब्लैक कलर स्कूटी पे 2 persons वहाँ से बाजू से जाते हुए 2 बंदे इसको देख के फिर रिटर्न आके उसके पास से उसको अटैक करके चाकू से वो सेलफोन स्नैच करके ले गया. हम लोग हमारा कॉम्प्लेंट आया, वो कॉम्प्लेंट से पहले वो इंसिडेंट से पहले वो असा के पहले इधर भी एक इंसिडेंट हुआ एबिट्स पुलिस स्टेशन में. दरमियान 4:30 बजे के दरमियान यहाँ एक अपार्टमेंट में एक कॉम्प्लेंट वॉचमैन है, वॉचमैन का अपार्टमेंट प्रसाद अपार्टमेंट गन फाउंड्री में है और कुरम दमाई, ये कुरम दमाई नेपाल का है बंदा है. वो अपार्टमेंट में बैठे थे. अपार्टमेंट के सामने से जाते वक्त अपार्टमेंट के अंदर देख के ये लोग अंदर गया, जाते वो उसको स्टॉप करे, स्टॉप करते ही चाकू दिखा के वो डर के माने वो सेलफोन दे दिए. वहाँ से आके हमारा कैरताबाद में भी ऑफेंस करे. ये 2 offenses एक ही दिन हुआ, एक ही टाइम पे हुआ, एक आधा घंटे के टाइम पे. क्यों बोले तो रास्ते में करते हुए चले गया. इमिडिएटली क्या करें, हमारा DCP साहब ने 2 teams को इधर हमारा खैरताबाद का DI साइदुल और इंस्पेक्टर हैबिट्स का DI नरसिम्हा को 2 team को बना के
वहाँ से शुरू करके हम लास्ट पॉइंट हमारे कहाँ मिले, हैदराबाद में ही आया। वहाँ से हम लोग सेल फोन सीसी कैमरास देखते हुए कम से कम 200 सीसी कैमरास देखते हम लोग हरिनगर तक पहुँचे, मुर्शिदाबाद एरिया में। वहाँ CCL2 को हम लोग पकड़े, वो जेविनल है। वो CCL2 क्या है, इससे पहले मुर्शिदाबाद का पुलिस स्टेशन से भी यही सेल फोन स्नैचिंग में लास्ट जून में एक बार अरेस्ट भी हुआ। उस वहाँ से पकड़ के वहाँ उसका कन्फेशन लिख ले, वो क्या CCL1 को दिखाया कहाँ बंडलागुड़ा में, वहाँ गा जाके वहाँ से हम लोग हमारा खैरताबाद पुलिस स्टेशन लिमिट्स में गए, उस सेल फोन को और गाड़ी को और दिखाए से चाकू को, पूरे लोगों को पूरे हम लोग बरामद करे। हमारा इंस्पेक्टर्स करने के पुलिस स्टेशन लेके आए, आज हम लोगों वो लोगों को हम लोग रिमांड को भेज रहे। वो लोग दोनों भी वो लोगों के सर्टिफिकेट के हिसाब से क्या वो लोग माइनर्स है, हम लोग कन्फर्म करने के बाद से हम लोग फिर एज डिटर्मिनेशन के वास्ते भेजे। अब एज डिटर्मिनेशन में है, वो लोग माइनर्स है, इसलिए हम लोग। वतन की आवाज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय देना ना भूलें। आइए देखते हैं आपकी और हमारी आवाज़, वतन की आवाज़।